खवीन की मखसूस अयााम के मुतिक सवालत अब उन दिनों में जिन दिनों में आपकी रवानगी है उन दिनों में अगर अयाम शुरू हो जाए खी तो उस नपाकी की हालत में इन अयाम में खातुन क्या करेगी अम है हज में माज़ूरी का ज़माना अगर आ जाए तो क्या करें आप और एक सवाल ये है हज के दौरान खवतन अयाम रुकने के लिए गोलियाँ इस्तेमाल करती है बाद में कि वह जायेज हाँ जी

नासहि हजुन बैति मन इस्ताता अलैहि सबीला सदक अल्लाह अल मौलाना अल अजीम मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्ग सफर हज अपने घर से मक्के मक्के से मदीने मदीने के बाद वापसी तक के हमारे पूरे के पूरे वीडियो हमने कर चुके हैं हज के मुतालिक मसाइल भी और मीना में क्या काम करना है मीना से पहले आठ तारीख के बाद फिर मीना में कितना दिन रुकना है फिर उसकी बाद अरफात में फिर मुज़दलाफ़ा फिर उसकी बाद दस तारीख को आपको क्या क्या काम करना है ग्यारह तारीख को आपको क्या करना है सारे मसाइल और पूरा तफसल के साथ हमारे बयान आ चुके हैं इन ती आप देखें हमारा ना हबीबुल्ला रूहानी ऑफिशल को इनशा तै आपकी समझ में आ जाएंगे कि के हज कैसे करना और कैसे करना चाहिए उसमें किस में दुम देना ज़रूरी है और किस में दम देना ज़रूरी नहीं है कौन सी सुन्नत है कौन सी वाजिब है और इसके अंदर कितने फ़राज़े हैं तमाम चीज़ें मैंने बता दिया हों मख्तर अंदाज़ से भी है तफसील से भी है आप इनशाला तला देखें तोज् के साथ आपकी समझ में आ जाएंगे आज इनशा तला हम आप लोगों सामने, के सामने ख़वान की मखसूस एयाम के मुतल सवालत फिर उसके बाद एहराम बनने का तरीक़ा फिर एहराम बनने से पहले आपको क्या क्या करना है ये चीज़ें इन शह मैं आपको बता दूंगा। आप देखते रहे हमारे वीडियो हज की रवानगी के, के वक्त अयाम शुरू हो जाती हैं यानी ख़वान के मखसूस एयाम के मुतल ये सवाल हज की रवानगी के वक्त अयाम शुरू हो जाते हैं यानी अलहमदिल्ला ने आपको हज के लिए आपकी खुशखबरी आई कि क्या इन श्र् हज की रवानगी है तो मेरे दोस्तों हज की रवानगी कब है आपकी साथ आपके अहलिया भी है और आप भी हैं अब उन दिनों में जिन दिनों में आपकी रवानगी है उन दिनों में अगर अयाम शुरू हो जाए खवातन वजरात की तो उस नापाकी की हालत में इन अयाम में खातून क्या करेगी नापाकी की हालत में खातून क्या करेगी अब मेरे दोस्तों हज के रवानगी के वक्त खातून नापाकी की हालत में हो तो उसके लिए मुस्ताब है कि वह गुसल करे सबसे पहले गुसल पाकिजगी की नीयत से नहीं ना गसल करके साफ कपड़े पहन ले, गसल तहारत की नीयत से नहीं है बल्कि नज़ाफ़त के लिए है अलबत् नफिल वगैरह ना पड़े और जब जहाज उड़ जाए तो कबला रुख होकर उम्र की अहराम की नीयत करके तलबिया पड़ लें उसकी बाद अहराम की पाबंदियाँ आपके ऊपर शुरू हो गई जो पाबंदियाँ इससे पहले हमने बता दिया था आप इनशाला तला हमारे वीडियो देखेंगे इराम की पाबंदियों में क्या क्या चीज़ें हैं अलबत् मक्के में जाने के बाद अब मस्जिद हराम में नहीं जाएंगे, अपने होटल में रहें पुराने मस्जिद तलावत ना करें नमाज ना पढ़ें मस्जिद हराम में दाखिल ना होएं। आप जहाँ होटल लिए हुए, हुए वहाँ पर आप क़्याम कर लें उसकी बाद आप कुरान मजद भी नहीं पढ़ सकते हाँ दरुद शरीफ और अल्लाह का ज़िक्र वगैरह करते रहें दुआएं दरुद शरीफ पढ़ सकते हैं जब पाक हो जाए उसके बाद आप गसल करके नसल करके उम्र की तमाम काम अंजाम दें जैसे उम्र के लिए होती हैं वो तमाम काम अब अंजाम दें अब एहराम एयरपोर्ट में आपने बन ली एहराम की नीयत करके क्योंकि आप तो सिए हुए कपड़े पहने या कोई अहराम के कपड़े आपने किसी दुपट्टा या कोई इस्का मखसूस कर ली तो आप जब गुसल करेंगे जाहिर सी बात है वो उतार भी सकते हैं नापाक नापाक अगर वो है तो उसको उतार के दूसरा कपड़ा भी बांध सकते हैं लेकिन अहराम में आप शामिल हो गए अहराम की पाबंदी आपके ऊपर शुरू हो गई आप मक्के में जाने के बाद आप होटल में ठहर जाए वहाँ पर दरूद पढ़ते रहें और दुआएं करते रहें लेकिन मस्जिद अहराम में नहीं जाएंगे अहराम की कोई काम सर अंजाम नहीं देंगे जब पाक साफ हो जाए पाक साफ होने के बाद आप गसल करें गसल करने के बाद न उसके बाद आप उम्र की तमाम काम अंजाम दे लें अब मेरे दोस्तों बात यह अया में हज की वक्त यानी अयाम में हज में मधुरी का ज़माना अगर आ जाए तो क्या करें आप यानी आठ तारीख को आप यहाँ से गए तो यहाँ से रवानगी के बाद आपने एयरपोर्ट से उम्र की नियत कर लिए नीयत करने के बाद आप उम्र कर लिए उम्रा करके बाकी आप अपने होटल में जो है ना आप यहाँ से जाने के बाद अपने होटल में पहुँचें अपना सामान वगैरह रख कर अपने शोहर या बेटे के साथ मुहरमात के साथ आप निकल पड़े हैं तो उन सूरतों में ना आप उम्रा भी मुकम्मल कर ली हैं लेकिन आठ तारीख को मीना में जाने का है बल्कि यहाँ तो सात तारीख को जब हरम से अब होटलों से सात तारीख को इशा के बाद निकलना शुरू हो जाती हैं बसें वगैरह भरना शुरू हो जाती हैं हाजियों को लेकर मीना में पहुँच जाती हैं आठ तारीख को बहरहाल पाँच नमाजी मीना में पढ़ना होती हैं अब यह है कि होटल से आठ तारीख़ को रवाना है तो सात तारीख की रात को ऐशा की बात निकल जाती हैं तो अब उस वक्त में जो है अब उन उनम में शामिल है यानी मजूरी की ज़माना आ गई आपको तो उन सूरतों में आप क्या करेंगे उन सूरतों में ये करें आप मदूरी की वक्त जिसे आपने आम तौर पर यानी गसल करना है गसल कर लें गए तहारत की नीयत से नहीं पाकिदगी की नीयत से नज़ाफत की नीयत से आप गुसल कर लें उसकी बात जो एहराम के कपड़े अगर आपने मखसूस किया या सिया हुआ जो भी कपड़ा है औरतों के लिए सिला सी, हुआ कपड़ा औरत तो ही पहन सकती है अब आपने बस पे बैठ गए बस पे बैठने के बाद आप जो है अपने होटल से निकल जाएं या होटल से आप नियत कर लें क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ना एहराम बनने के लिए दो रकात नमाज नफिल अदा करना है आपको नमाज नहीं पढ़ने हैं आप सिर्फ और सिर्फ नीयत कर लें कि मैं हज की नीयत करता हूँ या अल्लाह तो उसको मेरे लिए आसानी फरमा मेरा हज को कबूल मकबूल फरमा ना तो अल्लाह मेरी तरफ़ से हज को कबुल मकबूल फरमा फिर लब् अल्लाहुम्मा शरी लब ला शरीक, ला ला शरीक ला। यह आपको पढ़ना है हब नीत बन गई अबराम में अब दाखिल होगी अब एराम की पाबंदियाँ आपके ऊपर शुरू होगी अब मीना में पहुँच गए तो मेरे दोस्तों आप खातुन नापाकी के हालत में तो हज की हैराम की नीयत करके तलबिया पढ़ लें या आ गया आप मेरे दोस्तों आगे देखें फिर उसकी बात क्या करेंगे आप फिर मीना में पहुंचना मीना में पहुंचने के बाद नापाकी की हालत में नापाकी हालत में अब नापाकी की हालत में आप मीना में पहुंचे वहाँ पर भी, भी आप नमाज़ पुराने मजीद तलावत नहीं करेंगे बारह हल तस्वी करते रहें और दुआएँ करते रहें अब फिर वहाँ से कहाँ निकलेंगे अब वहाँ से आपको पाँच नमाजें जब पूरे हो जाती हैं आपको अरफात में जाना है मीना से अरफात में जाना सुबह फजर के बाद जब सूरज तुल हो जाए जवाल से पहले यानी आपको अरफात में पहुंचना है जवाल के बाद अक्ूफ़े अरफात करना है तो आप जो है ना यहाँ जो मक्के में यह सूरत हाल है हाजियों की ज़्यादत की वजह कसरत की वजह से मीना से रात को लेके जाती हैं फजर तक पहुंचा देती हैं यानी फजर या फजर की नमाज़ की बात मीना से निकलना है लेकिन वहाँ फजर तक पहुंच जाती हैं बाहें पहुंच जाती हैं अब वहाँ जाकर आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली ना पढ़ने के बाद अरफात में आप फिर अरफा में अरफात की नीयत से आप नहा लें गल कर लें जो भी करना है आप कर लें लेकिन तहारत की नीयत से नहीं पाकिदगी की नीयत से नहीं सिर्फ नज़ाफ़त की नीयत से आब अकूफ अरफात के लिए तो आप मीना में अरफात में भी अकूफ अरफात भी कर लें उसकी बाद फिर तस्बी तहली अल्लाह से दुआ करें और फिर उसकी बात जो है फिर वापसी आपको मुस्तलफ़ा की तरफ रवाना की है ना मगरब की बात आपने जो है ना मुशलफ़ा में भी ठहरेंगे वहाँ पर भी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर पत्थरें जो है ना लेना है तकरीबन सत्तर पत्थरें आपको ढूँढ कर अपना थैलियों में भरना है वो तो चने की बड़े चने के बराबर है। अब उसके बाद मुशलफ़ा की बात मुतलफ़ा की बात वकूफ़ मुस्तलफ़ा की बा आपको मीना में आना है अब मीना में आने के बाद जमरतल को आपको क्या करना है रमल हजर करना है शैतान को कंकरियां मारना है ये भी आप कर सकते हैं कुर्बानियाँ भी आप कर सकते हैं बाल भी कतरा सकते हैं सब कुछ आपको हो गए लेकिन तवाफ़ ज़्यारत आप नहीं कर सकते हैं अगर आप पाकिजगी की हालत में नहीं है तो आप हरम में भी नहीं जाएंगे क्योंकि तवाफ़ ज़्यारत के लिए आप इंतज़ार करें हाँ ये बात है कि कोई शख्स कोई ख़ुती अगर तवाफ़ जीारत यानी दस ग्यारह बारह को तवाफ़ जीारत करने हैं ये फ़र्ज है हज के बड़े रुकन में से एक रुकन है यानी तलबिया पढ़ के अहराम बनना तलबिया पढ़ना यह फ़र्ज है अरफात, वकूफ़ अरफात में ठहरना ये भी फ़र्ज है तवाफ़ ज़ियारत ये भी फ़र्ज है तो अब वहाँ रुक जाए अगर फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद बारह तेरह तारीख को भी आपको अगर मौका मिल गया मतलब आप पाक साफ हो गए तो पाक साहारत की बात आप नहा कर गुसल करके फिर हरम के अंदर दाखिल हुए आप तवाफ़ ज्यारत करें सफ़ार मरवा की साई करें ये है लेकिन यह हज तमत्त वालों के लिए है आपकी अगर देर भी कर दिया आपने तो आपके कोई दम देने का दम देना ज़रूरी नहीं है आपके लिए आ भाई ये भइये में माजूरी की वजह से तवाफ ज्यारत छोड़कर आना जायज नहीं है हाँ अगर किसी खातून को अय्याम हज के दौरान माजूर की अयाम शुरू हो जाए और पाकी से पहले वापस रवानगी की तारीख भी आ गया तो वो क्या करेगी तबाफ जी छोड़ सकती है नहीं तवाफ ज्यारत छोड़ने उसकी जवाब यह है कि तवाफ ज्यारत वो किसी सूरत में नहीं छोड़ सकती हाँ अगर आपकी रवानगी का आपकी टिकट के मुताबिक कि आपको बता दिया गया कि फ़ला तारीख को आपको रवानगी है तो आप दरखास्त देकर दो दिन की टाइम बढ़ा लें कि हमारे लिए दो दिन का टाइम इजाफा कर दें कि हमारे लिए उज़र है हमारे साथ में खातून है और वो माजूरी की हालत में लिहाजा हम दो दिन बाद जो है न रवानगी हमारे होगी तो उन सूरतों में याद रखिएगा आप तवाफ़ ज्यारत के करने के अलावा किसी सूरत में अब वापसी ना आए अगर वापसी आ गए फिर दोबारा जाकर आपको तवाफ ज्यारत करना करने तक औरत के लिए शोहर शोहर के लिए औरत हराम हो जाती है जब तक तवाफ ज्यारत नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए हराम है या आप दूसरे साल के इंतजार करें या पांच साल के बैठ कर इंतजार करें या फिर तवाफ ज्यारत की इंतजार करके तवाफ ज्यारत मुकम्मल करके फिर आप वापसी लौट कर आए खबरदार तवाफ ज्यारत हज की रुकन में से एक रुकन बड़ी रुकन यानी फर्ज है अगर फर्ज आपने अदा नहीं किया तो आपका हज नहीं हुआ अब आइए मेरे दोस्तों खुवात मस्जिद नमी में अगर चालीस नमाजें ना पढ़ सकें तो वो क्या करें या मदीना मुनबरा में आठ दिन क्याम होता है अगर किसी खातून को वहां अयाम शुरू हो जाए तो वो चालीस नमाजें किस तरह पूरी करेगी ये चालीस नमाजें पढ़ना मुस्तहब है आइए अयाम माधुरी अल्लाह ताली की तरफ़ से ये गैर इख्तियारी उज़र है ये गैर इख्तियारी उज़र है अपने मर्जी का नहीं होता है ये, तो इस हालत में तो अपनी क्यामगा पर वो रह कर जिक्र करते रहें तस्बियात पढ़े, दुआएं करें अल्लाह तला से माफी मांगते रहें दुरुश्री पढ़े इन उसकी तीयत के मुताबिक अल्लाह ताली उनके साथ मामला फ़रमाएंगे यक़ी उसमें कोई शक नहीं है और एक सवाल ये है हज के दौरान ख़वातीन आयाम रुकने के लिए गोलियाँ इस्तेमाल करती है बाद वक्त में कि वो जायज़ है हाँ जी जायज़ है मगर इन सूरतों में डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है आपके लिए कोई नुकसानदा तो नहीं है तो डॉक्टर से आप मशवरे कर लें तो यही तो ही आपके लिए बेहतर होगा ऐसे नहीं डॉक्टर से मशवरे के अलावा अगर हो सकता है आपके लिए नुकसान नुकसान हो तो इसी वजह से आप डॉक्टर से मशवरा कर लें किसी खातून की रवाना की चार जिलहज को हो आठ जिलहज को उनको हज की तैयारी करना है तो चार जिलहज को यहां से जो है ना घर से रवाना की है तो और उसी रोज अयाम शुरू हो जाए तो उनको क्या करना है और वो उम्र के हैराम बनकर रवाना हो जाए उम्रा की राम बनकर रवाना हो जाए लेकिन पाक होने से पहले आठ तारीख आ जाए तो सूरत में वो क्या करें पाक होने से पहले आठ यानी हज के अयाम भी शुरू हो गए आठ तारीख को तो मीना में, में जाना है बल्कि सात तारीख को रवाना की हो जाती है तो उन सूरतों में क्या करना है अब देखें उन सूरतों में यह है कि वो उम्र की नीयत करके रवाना हुए अब वो उम्र नहीं करवा तो फरमाया कि उन सूरतों में वो हज की उम्र की ना एराम खोल लें करें, एराम बंद कर जाए जब वह पाक हो जाए तो गसल वग़ैरह करके उम्र अदा करें ना आप ये सूरत हुआ किसी खातून को रवानगी को वक्त अम शुरू हो जाए तो वो भी यहाँ से एराम बंद कर जाएं। जब वो पाक हो जाए तो गसल वग़ैरह करके उम्रा अदा करें लेकिन अगर पाक होने से पहले हज का वक्त आ जाए ना तो वह आठ तारीख को उम्र के अहराम ख़त्म करके हज के अहराम बंद कर उम्र की आराम खत्म करके हज के आराम बनकर रवाना हो जाए फिर उसकी बाद जब हज वो मुकम्मल होगी आठ तारीख को ना नरफात भी कर लिया मुजलफ़ा भी हो गया उसकी शैतानों को कंकरी भी या मार दी ना उसकी बाद वो दोबारा ये उम्र की काज़ा करे काज़ा अदा करे उसी उम्र का काजा अदा करे मस्जिद आयशा से या जहराना से ना वहां से क्या कर ले काजा कर ले अहराम की नीयत करके वो उम्र की नीयत करके हज की बात हज से पहले कोई उम्र नहीं करेंगे हज के बाद फिर वो उम्र की नीयत कर ले मस्जिद आयशा या जहराना में जाकर ये उम्र की अहराम बनकर जो वहाँ से आकर वो उम्रा कर ले